अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक मेडिसिनल प्लांट के ऊपर है, और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे मोरिंगा या सुहांजना या सहंज प्लांट भी कहा जाता है। सुहांजना जो है या मोरिंगा जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, और आप इसको बहुत आसानी के साथ अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने ये प्लांट जो है तकरीबन, मेरा ये जो प्लांट है ये एक साल इसकी एज तकरीबन हो गई होगी, क्योंकि इसको मैंने सीड से लगाया था और ऑनलाइन मैंने इसके सीड जो है वो मंगवाए थे, और उसके बाद इसी पॉट के अंदर मैंने इसको लगा दिया था। अगर आप चाहें तो आप पहले से इसकी जो पनीरी है उसको तैयार कर सकते हैं और बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मोरिंगा जो है या सुहांजना, इसे जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट जो है वो तस्वर किया जाता है, और जो जदीद तहकीक है उसके मुताबिक इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर वो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आजकल जो है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा इसके जो लीफ हैं उनको ड्राई करके शेड में ड्राई किया जाता है, और इसका जो पाउडर है वो काफ़ी कॉस्टली जो है वो सेल आउट भी होता है। तो अगर आप ऐसे प्लांट को अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं तो आप ख़ुद से अपने घर में बिल्कुल ईज़िली जो है वो इसका पाउडर बना के और अपने घर के तमाम जो अफराद हैं उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें, या फिर ये है कि आप अपनी जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तकरीबन मेरा 24 से 26 इंच का पॉट होगा, आई थिंक इतना है, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का पॉट है। लंबाई ख़ास तौर पर इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप इसको लगाते हैं तो इस तरह के पॉट के अंदर लगाएं कि जिसके अंदर गहराई ज़्यादा हो। यानी ये छोटे पॉट में ग्रो होने वाला प्लांट नहीं है। अगर आप इसको ग्रो कर देंगे तब भी ये चलता तो रहेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो आपने जो कुछ बेसिक काम करने हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, उसमें ये है कि आपने इसके जो पॉट है उसके अंदर से जो वीड्स वगैरह हैं उनको भी निकालना है। यहाँ पर ये आप एक छोटा प्लांट देख रहे हैं, यानी इसका जो मेन ट्रंक था वो जो है वो ख़राब हो चुका है, ड्राई हो चुका है, तो अब इसकी दोबारा से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। है ये इसी, ये जो बाकी प्लांट्स आप देख रहे हैं इसी के साथ का प्लांट है, और इसके अंदर से वीड्स वगैरह को आप निकाल के इसकी जो मिट्टी है इसको किस तरह की मिट्टी के अंदर लगाएं, ये थोड़ा सा जो है वो सेमी हार्ड मिट्टी को भी बर्दाश्त कर लेता है, यानी हल्की फुल्की अगर इसकी मिट्टी सख्त हो तब भी ये चल जाता है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि इसको वेल ड्रेन जो सॉइल है उसके अंदर लगाएं ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब ना हो। और इसकी जो रूट्स हैं उसका भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, उसका अचार बनता है और काफ़ी टेस्टी होता है। मैंने ख़ुद इसकी जो रूट्स हैं उनका अचार खाया हुआ है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके ऊपर जो है वो फूल लगते हैं, ड्रम स्टिक्स इनको कहा जाता है, फलियाँ लगती हैं, उनको भी पका के खाया जाता है। इनके लीफ का मैंने आपको बताया है पाउडर बनता है, और वो मुख्तलिफ जो मेडिसिनल यूज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें, मिट्टी चेक कर लें कि जिस तरह की मिट्टी के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। ये तकरीबन मैंने आपको बताया कि एक साल का मेरा ये जो प्लांट है, मुख्तलिफ इसके अंदर 3 से 4 प्लांट लगे हुए हैं, और साथ इसके अंदर जो है वो मेरा मोतिया या मोगरा का प्लांट भी है। तो पिछले साल क्योंकि मैंने इसको सीड से लगाया था, तो अब इनकी जो लेंथ है वो इतनी हो चुकी है कि अब इसको मैं इंशाल्लाह रेनी सीज़न में करूँगी ट्रांसप्लांट, और इनके जो है वो एक एक प्लांट में एक एक पॉट के अंदर लगाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो 3-4 साल के बाद, यानी मुख्तलिफ पॉट्स में इनको हर साल जो है वो रिपोर्ट करने के बाद फिर मैं इसको ग्राउंड में लगाऊँगी, क्योंकि ग्राउंड में ये बहुत आसानी से लग जाता है, और काफ़ी बड़ी हाइट में इसकी जो है वो तकरीबन 20-25 फुट जो है वो इसकी हाइट चली जाती है। और जाहिर है हम चाहते हैं कि हम अगर कोई प्लांट इस तरह का लगाते हैं कि जो मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो फिर हम ये भी चाहेंगे कि मुख्तलिफ जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। तो पानी जो है वो इसको किस तरीके से चाहिए, पानी इसको, इसकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, अदरवाइज़ इसके जो लीफ हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें जो है वो ज़रूरत इसके लीफ की ही होती है। लीफ जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो फिर ये आप कर सकते हैं कि इनको शेड में ड्राई करें, यानी धूप में ना ड्राई करें, धूप में इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। शेड में रख के इसको ड्राई करें, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको ग्राइंड करके
बारीक पाउडर बना के जो खाली कैप्सूल मिलते हैं उसके अंदर डाल के आप रख सकते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का मरीज़ बंदा है कि जिसको ज़रूरत है इसकी, तो फिर आप एज अ गिफ्ट जो है वो उनको दे सकते हैं और उनको जो है वो इसके फ़ायदे भी बता सकते हैं। तो मेडिसिनल यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी प्रोपगेशन सीड्स भी, इसके ऊपर जब फलियाँ लगती हैं, फूल लगते हैं, उसके बाद फलियाँ बनती हैं, फलियाँ ड्राई हो जाएँ तो उनके सीड्स को हार्वेस्ट करके आप इनको जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप जो है वो मुख्तलिफ जो कंटेनर्स होते हैं, वे पेंट की बकेट्स होती हैं, उनके अंदर लगा सकते हैं। वेस्ट अगर कोई ड्रम है या थर्मोपोल के बॉक्सेस हैं उनके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़रूर ऐड करें इसको, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट है। उसके अलावा रेनी सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, चाहे तो पेंसिल साइज़ की जो कटिंग है उसको आप कट करके उसकी जो लीफ है एक्स्ट्रा उनको हटा दें ताकि कटिंग के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, और उसको आप जो है वो रेनी सीज़न में लगा दें या फिर फरवरी मार्च में लगा दें। दोनों तरीक़ों से, सीड्स से भी और कटिंग से भी, ये बहुत आसानी से जो है वो ग्रो हो जाता है। और इसके अलावा इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। कम अज़ कम एक साल से तो मैंने भी लगाया हुआ है, मैंने कभी इसके ऊपर कोई पेस्ट का अटैक नहीं देखा। सर्दियों में ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, यानी इसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसकी दोबारा से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके ऊपर की लीफ पिंच कर दें ताकि ये बूशी हो जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।